नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जीवीएन 24। स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन माया पांडे के निरंजन महतो नामक व्यक्ति द्वारा सरेआम पिटाई करने का मामला तूर पकड़े हुआ है। सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने हरला थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मालूम हो कि हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित बी रोड निवासी फुल्लू देवी तथा उनके पति निरंजन महतो के बीच विगत एक वर्ष से विवाद चल रहा है। ज्ञात हो कि पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करते हुए मारपीट किया जा रहा था, उसके खर्चे भी पति ने बंद कर दिया था। महिला का पति श्रृंगार स्टोर का दुकानदार है। इसके बाद फाउंडेशन के महिलाओं ने दुकान का ताला तोड़वा कर दुकान में पत्नी को स्थापित करवा दिया था। विवाद के सूचना पर फाउंडेशन के चेयरमैन माया पांडे अपनी सदस्यों के साथ पहुंची तो दोनों तरफ से कहा सुनी होने लगी। इस बीच निरंजन महतो महिलाओं पर हमलावर हो गए तथा न केवल सोने की चेन छीन ली थी बल्कि महिलाओं की पिटाई भी कर रहे थे। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने निरंजन महतो को गिरफ्तार कर थाना लाई। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। इसी के विरोध में थाना पहुंचकर महिलाओं ने हंगामा शुरू किया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को समझा बुझा कर मामले को शांत करवाया। और धनबाद जिला अध्यक्ष, मैं क्या नाम हूँ आपका? मेरा नाम लखन विश्वकर्मा है। आप कहाँ से आए? मैं धनबाद से आया हूँ और मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ आप लोगों को कि जो फुल्लू देवी के साथ दुर्घटना हुई और माया पांडे जी के साथ में जो घटना हुई है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं प्रशासन से मांग करूँगा और अपने स्तर से मैं इस पर संज्ञान लूँगा ताकि इस संज्ञान में इन लोगों को न्याय मिले। अभी अभी हमने सुना कि महिला थाना में FIR दिया गया है, वो सही बात है। महिला थाना में FIR दिया गया तो यहाँ इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। महिला थाना को जीरो FIR, मतलब इन लोग को जीरो FIR के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए जीरो FIR के तहत इन लोगों ने काम नहीं किया। अभी भी जीरो FIR का मतलब होता है कि कहीं भी घटना हो, किसी थाना क्षेत्र में घटना हो, वो किसी थाना क्षेत्र में जाकर जीरो FIR कर सकता है और इस पर यह कार्रवाई करना चाहिए था। जो इन्होंने बहुत भूल किया है कि वो गिरफ्तार करके उनको छोड़ दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत साबित हो रही है। मैं इतना ही कहकर मैं अपना संज्ञान लूंगा और बहुत जल्दी इसका परिणाम आएगा। ठीक है, मेरा नाम लखन विश्वकर्मा, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद झारखंड प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष स धनबाद जिला अध्यक्ष। आपके अनुसार इन महिलाओं को क्या करना चाहिए? अभी पहला स्टेप, ये महिलाओं को अब एक दिन के लिए वेट करने के लिए बोला गया है गिरफ्तारी के लिए, तो वेट करना चाहिए क्योंकि उतावला में कोई ऐसा काम नहीं करना है ताकि फिर इस घटना का पुनरावृत्ति हो। यदि वो अपराधी है तो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। प्रथम दृष्टिया किसकी गलती दिख रही है आपको? गलती तो मान लीजिए महिला का गलती तो नहीं है क्योंकि इनको बुलाया गया था संरक्षण के लिए। फुल्लू देवी के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध में माया पांडे जी खड़ी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए जीवीएन 24।